एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साहब, जेल, डांस बार, झोपड़पट्टी, कचड़ा पट्टी, जहाँ जहाँ आपने मेरी ड्यूटी लगाई सब जगह ढूंढा, लेकिन मारू कहीं नहीं मिला। बुरा मत मानना साहब, आपने मुर्गे की बांग पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन बांग दोपहर की थी। अबे जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है? मारू को मार गोली, पकिया के जीजा का क्या है? उनके घर पर तो कब से ताला ठुका है, अड़ोस पड़ोस में पूछा लेकिन किसी को उनके नए घर का पता नहीं पता। अब देख, दो चार नए इलाके में मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, तब तक तू शिकारी कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ नाक फुसफुसाता रहे, समझा ना? ब्याज तो बढ़ता ही रहेगा और सारे गहने अपने पास तिजोरी में बंद पड़े हुए हैं। चिंता की बात नहीं है रे दड़बदरे, सारी नाड़ियाँ अपने हाथ में ही हैं। ऋतु को फोन करके बोल कोरियन थिन स्विमिंग पूल आ जाए, वहाँ भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल आया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को? चल फोन निकाल, चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अबे रुक ना। ये रहा। बिजी है, बिजी है? साले लगा हुआ है, कर बात। हाँ ऋतु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। ऋतु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियन थिन स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। अरे कर रहा हूँ ना, चालू कर, चालू कर फटाफट। अरे क्या जल्दी, तुझे मुझे भी तो मिलना है ऋतु से। चुप बैठ, तू मुझे चला दे, तू रिपेयर करा के ला, मैं इनके साथ निकलता हूँ। रुको रे, मुझे भी ले चलो, हेलो मुझे भी ले चलो। हाँ ऋतु मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ ऋतु स्लाइट चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियन थिन क्लब मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की भू आ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। दो और दो मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगू शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगी। बोलो क्या लोग? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखें तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं है। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टाइम तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे? मुझे देखते ही सुई चुप गई नीचे। आप कबे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू क्या वापर आता है? आप कौन सज्जन है? मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 के बेवकूफ बना चुका है। है? कुछ कौन? देख देख ऋतु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसान मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढमढेरे। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकला। Oh,
खून पी जाऊंगा। आज साले भाग के कहां जा रहा तुम्हारी माँ का नाक का नाक। क्या हो रहा है इधर, क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाप दाप लगा बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। Are you okay? I'm all right, I'm fine. तू तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लौंडों के सामने दम तोड़ दिया। शह, यूज़लेस। नहीं, वो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम ऋतु हो? बहुत अच्छा। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया तू। परिचय करा, परिचय करा। सॉरी, मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त है और राहुल के भी। ये गोटी। हाय, आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। अच्छा आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ, क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ये बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है, हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ, वही तो मुसीबत की जड़ थी। ये हिंदू, वो क्रिश्चियन, सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। मत रो, आजा मेरे साथ। ऐसा ही है, मत रो, आजा मेरे साथ, मेरे साथ तू मत रो, मत रो, मत रो, मत रो मेरे भाई। अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू।